हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू चैप्टर व्हिच इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सो मोस्टली यहां पर हम ये समझने वाले हैं इस पूरे चैप्टर की डिटेल को और पूरे चैप्टर की डिटेल में इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं इन वन शॉर्ट इट मीन्स एक ही वीडियो में आप इंट्रोडक्शन समझ जाओगे जो कि जेनेटिक्स का है और उसके साथ में जो भी एन में स्टार्टिंग में टर्म्स हैं जो भी इस पूरे चैप्टर में घूमेंगे टर्म्स कुछ उन टर्म्स को भी हम इसी वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे और हमारा मेन फोकस साथ में हमारे जेनटिक्स के फादर ग्रीगर जॉन मैंडल जी के ऊपर भी होगा तो फोकस करते हैं अपने इस चैप्टर पे पहले हम टर्म समझते हैं प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल का मतलब आपके स्कूल के वो जो प्रिंसिपल सर हैं बिल्कुल नहीं है आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर नहीं स्पेलिंग पे फोकस करिएगा प्रिंसिपल्स का मतलब यहाँ पर होता है रूल्स फंडामेंटल या सिद्धांत होते हैं देन हैं किसके तो ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन के हैं इनहेरिटेंस वर्ल्ड का मतलब क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनकी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में ट्रांसफर होते हैं इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं क्या ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर जैसे मेरे हेयर्स का कलर अगर ब्राउन है तो सिंपल सी बात है कि मेरे पेरेंट्स के हेयर का भी कलर ब्राउन रहा होगा इसी वजह से तो ट्रांसफर हुआ वो कैरेक्टर मुझ में ठीक है तो इसे हमने क्या बोला इनहेरिटेंस बोला वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि मैं अपने पेरेंट्स का यू you नो know, तो क्या मैं टोटल उनके जैसा हूं मैं आइडेंटिकल हूं कोई चेंजेस नहीं है मुझ में बिल्कुल नहीं मुझ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर है और उसी चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशन सो होप फुली स्टूडेंट्स हि यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ़ द चैप्टर एंड ऑल्सो द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर नेक्स्ट स्टूडेंट अनदर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं यहाँ पे अब आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो वो टोटल आपके चैप्टर से इवन आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे सबको यहीं कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं जेनेटिक्स पे जेनेटिक्स टर्म क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये जिस यूनिट का पार्ट है वो आपकी जेनेटिक्स यूनिट है जेनेटिक्स को मोस्टली टर्म पे फोकस करें तो ये ग्रीक वर्ड कह लीजिए जेन से बना हुआ है या जेनेसिस से फॉर्म है जेनेसिस का मीनिंग आप समझते ही हो टू ग्रो इन टू है ना ग्रो करना या यू you नो know, विकसित करना विकास करना विकास करने के लिए विकसित करने के लिए तो ये इसका लिटरल मीनिंग होता है टू ग्रो इन टू क्लियर देन उसके बाद जेंटिक्स एक साइंस की ब्रांच है जेनेटिक्स एक लाइफ साइंस अब आप यहां पे देख रहे हैं जेंटिक्स इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस आप कहेंगे सर हम ये तो बायो की ब्रांच पढ़ते हैं ना हम लोग आप लाइफ लो, साइंस कह रहे हो तो एनअर नेम है बायोलॉजी का लाइफ साइंस ठीक है देन उसके बाद उसके बाद इसमें हम किसके किस स्टडी करते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन तो अभी मैंने आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन बताया नहीं बताया तो अभी फिर से बता दूंगा कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करने को ही हम जेनेटिक्स बोलते हैं अब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं जेनेटिक्स टर्म तो समझ लिया हमने लेकिन ये टर्म दिया किसने था सो फर्स्टली द टर्म जेनेटिक्स क्वाइंड बाई विलियम बेटसन विलियम जी थे और इन्होंने 1906 में अब मैं कहूँगा ईयर तो मुझे यू you नो know, बहुत ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता बट आप करिए 1906 में हमारे साइंटिस्ट थे और उनका नाम था बैटसन जिन्होंने सबसे पहले जेंटिक्स टर्म दिया ठीक है जब आप फादर की बात करते हो कि उज़ द फादर ऑफ जेंटिक्स जनाब हमारे प्यारे ग्रीगर जॉन जी का नाम आप बताते हो कि हमारे मैंडल जी जो हैं वो फादर हैं जेनेटिक्स के लेकिन अब यहीं पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं और इन पे आपको फोकस भी करना है जब आपसे पूछा जाएगा कि फादर कौन है जेनेटिक्स के तब आप बोलते हो ग्रेगर जॉन मैंडल है लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा हु इज़ आ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आप बताएंगे कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं डब्लू बेटसन क्लियर ये क्वेश्चन आए भी हैं एग्जाम में इसलिए ये नोटबुक में आप हाईलाइट कर लेंगे अपनी बुक में भी मैं मैंशन कर लेंगे देन उसके बाद आपसे पूछा गया सर एक और जेंटिक्स होती है क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट पेज पे इंट्रोडक्शन में लिख रखा था कुछ साइंटिस्ट के नेम और उनकी ब्रांच फादर्स के नेम तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक और जेंटिक्स होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनटिक्स देखिए और उसके फादर कौन है उसके फादर होते हैं टी एच मॉर्गन तो आपको यहाँ पे थर्ड साइंटिस्ट मिल गया फिर मैं कहूँगा एक और जेंटिक्स है जिसे हम ह्यूमन जेंटिक्स बोलते हैं और ह्यूमन जेंटिक्स के फादर हैं गैरोड, ठीक है तो मैंने आपको टोटल कितने जेंटिक्स बताए फोर पहले मैंने नॉर्मल जेंटिक्स बोला या फिर जानते क्लासिकल जेंटिक्स भी बोल देते हैं तो आप वहाँ पर क्या नेम बताओगे आप बताओगे सर मेंडल जी हैं शॉर्ट में लिखता हूँ एम देन उसके बाद आपसे पूछा गया हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न जेंटिक्स तो आप कहेंगे सर मॉडर्न जेंटिक्स के फादर हैं बैटसन इनको भी शॉर्ट में लिख दिया फिर आपसे पूछा गया कि एक्सपेरिमेंटल जेंटिक्स के फादर कौन है तो आप तुरंत बताएंगे सर टी एच मॉर्गन हैं फिर आपसे पूछा गया कि हु इज़ अ फादर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बाद ह्यूमन जेनेटिक्स तो आप अपना आंसर बताओगे कि सर गैरोड हैं गैरोड की स्पेलिंग बोल देता हूँ जी ए डबल आर ओ डी गैरोड है जो कि ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए जो यू नो वन मार्क्स में एम सी क्यू में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट उसके बाद वी फोकस ऑन अनदर टॉपिक विच इज़ जेनेटिक्स तो दूसरा टर्म यहाँ पे समझते हैं जेनटिक्स जेन्टिक। जेनेटिक्स का मतलब जेंटिक्स के बाद हेरिडिटी है हमारा नेक्स्ट टर्म तो हेरिडिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफिस प्रिंग और इसे ही हम हेरिडिटी बोलते हैं देन हेरिडिटी से आपके माइंड में आएगा सर हेरिडिटी वर्ड का मतलब तो ये कहीं ना कहीं लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग जो है इनहेरिटेंस होता है क्योंकि आप पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस तो क्या सर इनमें कुछ चेंजेस हैं तो एक तरीके से प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोल देते हैं यू नो फिनन को इनहेरिटेंस बोल देते हैं अदरवाइज दोनों वर्ड सिमिलर ही हैं है ना हम लोग एक प्रोवर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं लाइक like, बिगेट्स लाइक जब मैंने आपको सेक्शुअल रिपोडक्शन इवेंट पढ़ाया था तब भी मैंने ये टर्म लिया था लाइक like, बिगेट्स लाइक मतलब हमारे यहाँ हर एक ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी होती है ये पावर होती है कि वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ना जैसे शेर और शेरनी के यू you know, शेर ही होगा ह्यूमन है तो ह्यूमन के ह्यूमन ही यू you know, उनका चिल्ड्रेन होगा मंकी बंदर नहीं हो जाएगा है ना तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं जैसे बिल्ली है तो वैसे बिल्ली ही होगी और यू you न know, ये नहीं कि वो जो है शेर को पैदा कर देगी ऐसा कुछ नहीं होगा तो यही हम लोग बोलते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं ये जो जेंटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं हरी ड्यूटी बोलते हैं लेकिन क्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनी जो भी ऑफिसप्रिंग्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं हम जब ए सेक्शुअल रिपोडक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने ही आपको बताया कि आइडेंटिकल ए सेक्शुअल रिपोडक्शन में होती हैं सक्शुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन प्रेजेंट होता है तो वेरिएशन द डिफरेंस एमंग द ऑफ स्प्रिंग एंड विद देयर पेरेंट ऑफ स्प्रिंग से उनके पेरेंट्स में जो भी डिफरेंस प्रेजेंट है उसे ही हम वेरिएशन बोलते हैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और नई चीज़ है वेरिएशन टू टाइप्स के होते हैं बच्चा फर्स्ट है यहाँ पर हैजड्यूटी वेरिएशन और सेकेंड वन को हम बोलते हैं इन्वामेंटल वेरिएशन मैं दूसरे भी टाउन बोल रहा हूँ उसे आप लिसन करिएगा आराम से इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो मैं यहाँ पे फैक्ट बोल रहा हूँ इसे हम दूसरा भी बोलते हैं सोमैटिक या फिर सोमैटोजेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं ठीक है इन्वायरमेंटल वेरिएशन को और हेरिडिटरी वेरिएशन को हम जर्मिनल ब्लास्टोजेनिक या जेनेटिकल वेरिएशन बोलते हैं बहुत अब क्योंकि इतने टर्म बता दिए तो अब आप समझ जाएंगे देखिए हेरिडिटरी वेरिएशन ऐसे वेरिएशन जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होंगे ठीक है और ये वेरिएशन कहाँ प्रेजेंट होंगे जीन में प्रेजेंट होंगे तो दीज आर जेनेटिकल जीन्स में प्रेजेंट होने चाहिए और वो वेरिएशन जनरेशन टू तो जनरेशन ट्रांसफर होंगे तो ऐसे वेरिएशन को हम हेरिडिटरी वेरिएशन बोलते हैं इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एवोल्यूशन की प्रोसेस में देन उसके बाद उसके बाद अगर हम यहाँ पर इन्वामेंटल वेरिएशन की बात करते हैं तो ये एक्वायर्ड होता है एक्वायर्ड मतलब हम गेन करते हैं जैसे कि मुझे बॉडी अच्छी बनानी है तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया मैंने जिम ज्वाइन किया मेरे बाइसेप्स अच्छे खासे निकला है ना मतलब सिक्स पैक बन गए ये मतलब मैं मतलब आ, कौन वो कार्तिक आर्यन मेरे सामने कुछ नहीं है है ना तो ये एक्वायर्ड किया मैंने अब ऐसे थोड़ी ना कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके भी ऐसी बॉडी रही होगी वो भी कार्तिक आर्यन को फेल कर सकते रहे होंगे है ना उस टाइम तो कार्तिक आर्यन थे भी नहीं तो आ, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो हम एक्वायर्ड करते हैं अपनी लाइफ में यू you नो know, अभी जैसे मैं घर के अंदर बैठा हूँ तो शायद मेरी स्किन कलर में कुछ चेंजेस आ जाए और मुझे अभी आप भेज दो कहीं अफ्रीका या बहुत तेज़ धूप है और मैं धूप में रह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे स्किन का कलर डल होने लगेगा तो ये मैं एक्वायर्ड कर रहा हूँ और ये क्यों एक्वायर्ड हो रहा है क्योंकि एन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं और एन्वायरमेंट के हिसाब से मेरा यू you नो know, जो मॉरफॉलोजी है वो चेंज हो रही है तो यही कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफर होंगे मैं जिसे यू नो फेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें मुझ में दिखेंगी तो इसे हम एनवायरमेंटल वेरिएशन बोलते हैं वो फुली क्लियर हो गया होगा नॉन हेरिटेबल होता है ये जाएगा न्यू जनरेशन में हम इसे एक्वाइड करते हैं दूसरी चीज़ें समझते हैं आगे है हमारे ग्रेगर जॉन मैंडल जी इनके बारे में भी कुछ फैक्ट बिकॉज ऑफ इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहली बात फादर ऑफ जेंटिक्स बोलते हैं इनको नो डाउट देन इनकी डी ओ बी यहाँ पर पहली बात तो मैंशन है और डी ओ बी से जानते ही हैं एटीन ट्वेंटी टू से एटीन एटी फोर देन ये ऑस्ट्रियन मॉन्क दरअसल ये वियना एक यू you नो know, ऑस्ट्रिया है देश वियना वहाँ की कैपिटल है और वहाँ पे ये बॉर्न हुए थे और इन्होंने मोस्टली पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे अब आपके दिमाग में आएगा हाइब्रिडाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है तो जैसे आपने दो डिफरेंट ट्रेट वाले या कैरेक्टर वाले प्लांट्स लिए और उनके बीच में आपने क्रॉस कराया तो दो अलग अलग चीज़ें थी ना तो अलग ही चीज़ बनेगी मतलब हाइब्रिड बनेगी तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं ठीक है देन उसके बाद इन्होंने अपना जो भी वर्क किया उसे वहाँ ये जिस शहर में इवेंट रहते थे उसका ब्रून नाम था ठीक है ब्रून तो इन्होंने अपने वर्क को द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी ऑफ ब्रून में यू you नो know, अपने वर्क को पब्लिश किया था 1865 में और मैगजीन uh, थी जैसे नॉर्मल आप लोग अपनी लाइब्रेरी में अपने घरों में मैगजीन्स कुछ पढ़ते हैं ना तो कौन सी बायोलॉजी टुडे पढ़ते हो आ, लेकिन आप लोगों के पास ये मैगजीन्स पढ़ने का टाइम कहाँ आप तो रुपयन और ये सहेली पता नहीं कौन कौन सी पढ़ते रहते हो तो ये थी इनकी मैगजीन्स और इन्हें इसी वजह से पहले क्योंकि सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया वर्क को तब कोई कुछ नहीं जानता था कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते किसी ने कुछ ज़्यादा सर्च भी नहीं किया था और क्योंकि तो इसी वजह से हम इन्हें रिगार्ड करते हैं एज अ फादर ऑफ जेनेटिक नेक्स्ट थिंग समझते हैं ये कुछ फैक्ट है बहुत ज़्यादा इनसे टॉपिक आपके यहाँ नहीं आता तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा बॉन्ड हुए थे ग्रेगर जॉन मेंडल जी ऑस्ट्रिया में और स्कूल uh, एजुकेशन इनकी नहीं कंप्लीट हो पाई थी क्योंकि इनकी पावर्टी इनकी फैमिली में थोड़ी सी थी और देन इन्होंने जॉइन किया था एक चर्च uh, जहाँ पे एज अ फादर ये वर्क करते थे देन उसके बाद uh, और इन्होंने स्टडी की और स्टडी की साथ में जो कुछ जो टॉपिक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये कि इन्होंने स्टडी की दो चीज़ों की नेचुरल हिस्टोरी एंड साथ में मैथमेटिक्स तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं थे ही इज़ नॉट बायोलॉजिस्ट ये बात याद रखिएगा बायोलॉजी नहीं पढ़ते उठते थे ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे ये मैथ पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे नेचुरल हिस्टोरी एंड मैथमेटिक्स बट क्योंकि ये यू you नो know, गार्डन पी या ये कह लीजिए कि चर्च में वर्क करते थे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ गया था इनका ये देखिए कैसे काम कर रहे हैं जुटे हुए हैं इवन आप जानते हैं जो लोग ट्री प्लांटेशन में थोड़ा सा फ़ोकस करते हैं डिप्रेशन अगर उनको जैसा डिप्रेस फील करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्री प्लांटेशन में वो अपने डिप्रेशन को यू नो लॉस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के लिए बेटर होगा प्लांट्स के प्लांट भी लग गए ऑक्सीजन भी मिल गई और यू नो सब कुछ चलिए फोकस करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने डिज़ाइन के पी प्लांट पर जानते हैं आप लोग पी प्लांट्स का बोटेनिकल नेम जानते हैं आप लोग पाइजम सेटाइवम तो इन्होंने जो पी प्लांट्स लिया था वो थी स्वीट पी ठीक है मीठी मटर गार्डन पी और तो अगर स्वीट पी मीठी मटर गार्डन पी होती तो क्या कोई वाइल्ड पी भी होती तो एक बोटेनिकल नेम तो मैंने आपको बता दिया है पाइज़म सटाई बम और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे गार्डन पी के अलावा वाइल्ड पी का बोटेनिकल नेम क्योंकि अगर गार्डन पी होती है तो वाइल्ड पी भी होती होगी तो ये तो हो गई आंसर की बात नेक्स्ट थिंग यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं अगली चीज़ मैंने आपको बताई कि मैथमेटिकल uh, इंटरप्रिटेशन कह लीजिए मैथमेटिकल डाटा कह लीजिए एनालिसिस कह लीजिए ये सब चीज़ें इन्होंने की थी और ये सब चीज़ें इनके सक्सेसफुल होने का रीज़न भी था बच्चा क्योंकि पूछा आता है कि ग्रेगर जॉन जी क्यों uh, सक्सेसफुल हुए तो आप यही पॉइंट्स बताओगे क्योंकि उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया मैथमेटिकल थिंग्स रेशियो जैसी चीज़ें इन्होंने यूज़ की जिससे इनके एक्सपेरिमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा यू नो आसानी हुई एंड देन uh, उसके बाद इन्होंने पी प्लांट्स को सेवरल जनरेशन तक आपको पता है एट ईयर तक इन्होंने टोटल वर्क किया था पी प्लांट पे आठ साल लगा दिए थे इन्होंने ठीक है -habrit, 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 बहुत सारे क्रॉस कराए मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड बहुत सारे क्रॉस एंड देन उसके साथ में सेल पॉलिनेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करना इमेस्कुलेशन करना क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना ऐसे मेथड्स किए तब जाके ग्रेगर जॉन मेंडल जी इतने फेमस हुए और सक्सेसफुल uh, भी हुआ इनका एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट उसके बाद ये बात मैंने आपको बताई ही कि इन्होंने अपने वर्क को वहाँ की जो ब्रून में यू नो मैगजीन होती थी वहाँ पर उसे लॉन्च किया था और वो भी आपको याद रखना है तो कुछ ऐसी चीज़ें थी ग्रेगर जॉन मेंडल जी के साथ नेक्स्ट इन अंडरस्टैंड करते हैं ग्रीगर जॉन मैंडल जी से रिलेटेड नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ग्रीगर जॉन मंडल ने जब 1865 में अपने वर्क को किया प्रमोट किया पब्लिश किया तो जानते हैं वो रोज़ जाते थे एक तरीके से और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में या जो भी मैगजीन सेंटर या जो भी साइंटिस्ट के बीच में और अपने वर्क से रिलेटेड बातें करते थे तो वो कहते थे तो भैया कौन हो आप है ना क्या काम है क्या है क्या वर्क है क्या किया है आपने ये क्या होता है फैक्टर ये क्या होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किसी को कुछ पता नहीं था लोग फोकस ही नहीं करते थे और देन इनके वर्क पे किसी ने फोकस नहीं किया ऑफ्टर थर्टी फाइव ईयर टोटल थर्टी फाइव ईयर्स के बाद इनके वर्क को री डिस्कवर्ड किया गया ठीक है एंड इवन ये भी बता दूँ आपको उस टाइम पर ये जिंदा भी नहीं थे ही बिकम डाई इनके uh, मरने के कह सकते हैं आप सिक्सटीन ईयर बाद इनके वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था और ये रीडिस्कवर्ड हुआ इनका वर्क 1900 में और 1900 में थ्री साइंटिस्ट आए जिसमें से फर्स्ट साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिव्रीज हॉलैंड के फ्रांच कोरेंस जर्मनी के एंड एरिच शर्मैक या ऑस्ट्रिया के तो टोटल थ्री साइंटिस्ट तीनों ने अलग अलग इन्वेंशन किया ऐसा कुछ नहीं है ये साथ में एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ एक लोग हॉलैंड के हैं तो दूसरे लोग जर्मनी के हैं तो तीसरे लोग ऑस्ट्रिया के हैं तो तीनों लोगों ने अलग अलग वर्क किया इंडिपेंडेंटली वर्क किया मैंडल जी के कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बताया था एंड देन इन्होंने अपना नेम नहीं दिया कि ये हमने कुछ किया है इन इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल को के बारे में बोला कि जो चीज़ हम आज बता रहे हैं वो तो इन्होंने थर्टी फाइव ईयर्स पहले ही बता दी थी तो ये था ग्रेगर जॉन मेंडल का वर्क ये एन की लाइंस हैं कि, कि किसने रिडिस्कवर्ड किया है ग्रेगर जॉन जी के वर्क को और इसी वजह से हम यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल को रिगार्ड करते हैं एज अ फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स तो आप लोग ये फैक्ट भी याद रखिएगा नेक्स्ट वन दूसरी कुछ चीज़ों को समझते हैं जो कि स्पेशल टर्म्स हैं बच्चा टर्म्स को समझते हैं जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है तो पहला टर्म यहाँ पर जो आप देखने वाले हैं वो है फैक्टर और जीन क्या मतलब है फैक्टर का क्यों पर लिखा है दरअसल ग्रेगर जॉन मंडल जी ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उन्होंने जीन टर्म यूज नहीं किया उन्होंने कहा कि पेरेंट्स से में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं या फिर जो पी प्लांट्स सेलेक्ट कर रहे थे जिसमें वन जनरेशन से पी प्लांट के जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे थे देन ही ऑलवेज यूज अ टर्म फैक्टर ये बोलते थे कि ये देखो ये जो कैरेक्टर आ रहा है ये इस फैक्टर की वजह से अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुआ तो फैक्टर टर्म यूज कर रहे थे वो तो फैक्टर या जीन कह लीजिए इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर

तो आप तुरंत बताएंगे जकेरियस जॉनसन जोहानसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीन टर्म यूज़ किया देन उसके बाद अगला टर्म समझते हैं नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे लोकस लोकस मतलब लोकेशन ठीक है लोकस वर्ड को एक टर्म में आप तुरंत क्लियर कर दोगे लोकेशन मतलब जीन की पर्टिकुलर कोई पोजीशन होगी ना अब अगर आप इतना बड़ा क्रोमोसोम देख रहे हो तो आप कहोगे क्या पूरे क्रोमोसोम में कहीं पर भी कोई जीन प्रेजेंट है आप कहोगे सर ये एक पर्टिकुलर पोजिशन है यहाँ पे हेयर वाला जीन प्रेजेंट है सर यहाँ पे आई का जीन प्रेजेंट है आई के कलर से रिलेटेड सर यहाँ पे हाइट वाला जीन प्रेजेंट है सर ये एक लोकेशन है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यू नो मेरी स्किन का कलर प्रेजेंट है तो अलग अलग लोकेशंस होती हैं जीन के प्रजेंट होने की तो हम लोकस का मतलब क्या बोलते हैं द पोजिशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम तो जैसे आप स्पेसिफिकली ये यू नो मेंशन देख रहे हैं एरोस को ये एरो क्या शो कर रहे हैं क्रोमोसोम में जीन्स की लोकेशन को ठीक है तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी देन उसके बाद एलेल क्या होता है एलिल अब अगर एलेल के बारे में बोलूँ तो जो बेटसन साइंटिस्ट है ना विलियम जी उन्होंने सबसे पहले एलिल टॉम कोइंट किया था ठीक है तो ये तो नहीं पूछा गया अभी ऐसे नॉलेज के लिए है आपके तो एलिल जो टर्म है यहाँ पर सबसे पहले वेटसन जी ने क्वाइंट किया एलिल का मतलब क्या होता है एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊँ तो एलिल अ पेयर ऑफ अ जीन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ठीक है जो भी कंट्रास्टिंग वर्ड का मतलब होता है अपोजिट तो ये तो एक लाइन वाली डेफिनेशन हो गया अब समझ लो इसे तो द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन ओके फोकस करिएगा द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन फॉर अ कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ये अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से रिलेटेड होते हैं मतलब अपोजिट अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर बात की कि हेयर का कलर है ठीक है हेयर का कलर तो हेयर का कलर क्या हो गया बच्चा कैरेक्टर हो गया ठीक है अब इससे रिलेटेड दो ट्रेट होंगे और ये ट्रेट्स कौन कौन से होंगे तो आप कहोगे सर या तो हेयर का कलर ब्लैक होगा ठीक है या फिर हेयर का कलर ब्राउन होगा तो अब मैं मुझे इनको रिप्रेजेंट करना है तो मैंने ब्लैक के लिए रिप्रेजेंटेशन जो ली वो ली कैपिटल बी कैपिटल बी तो कैपिटल बी और कैपिटल बी क्या है ये जीन है ठीक है और इन्हें हम क्या बोलते हैं एलिल्स बोलते हैं अब ब्राउन के लिए मैंने क्या लिया स्मॉल बी स्मॉल बी तो अब ये स्मॉल बी स्मॉल बी क्या है अच्छा एल एस है क्लियर हो गई ये बात आपको तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जीम की जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन आइडेंटिकल लोकस तो एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे ये प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं एलिस्ट वो फुली इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको सो नेक्स्ट ईयर कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सब हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म तो जब आप अपनी नोटबुक फॉर्म करेंगे तो आप उनमें सबसे पहले मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो मेंशन करना है आपको वो यही मेंशन करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ़ जेंटिक्स ओके सो ये एक मेन हेडिंग हो जाएगी एंड देन उसके बारे में एक एक चीज़ें आप डिफाइन करेंगे तो पहला टर्म है यहाँ पे फिनोटाइप जल्दी जल्दी हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं सो so, फिनोटाइप फिनोटाइप का मतलब होता है वेन यू टॉक अबाउट वेन यू लर्न अबाउट मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर तो आप किसी इंडिविजुअल प्लांट किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपेयरेंस के बारे में बात करते हैं ठीक है तो आप उसे बोलते हो फिनोटाइप ठीक है नेक्स्ट उसके बाद जीनोटाइप आप किसे बोलते हो जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है और ए, एक इंडिविजुअल में तो इसे आप जीरो टाइप बोलते हो एग्जाम्पल के हाथ से समझो है ना फिनो जैसे आपने मुझे देखा और आपने कहा सर आप टॉल हो तो मतलब ये मेरा क्या है फिनो मेरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है सर आपके हेयर का कलर ब्राउन है आपकी आइज का कलर ब्राउन है तो ये क्या है ये फिनो टाइप कैरेक्टर हो गया मेरे है ना आप मुझे मॉर्फोलॉजिकली या एक्सटर्नल अपेयरेंस के बेस पे मेरे कैरेक्टर्स बता रहे हो ठीक है और जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं है ना फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें आई दूसरी चीजों में जीनोटाइप। जीनो अब आपसे मैंने पूछा आप ये बताओ मैं इंसान कैसा हूँ है ना आ, मैं सच बोलता हूँ या झूठ बोलता हूँ मैं यू you नो know, मेरा नेचर कैसा है मेरा बिहेवियर कैसा है क्या आप बता पाओगे बिल्कुल नहीं जब तक आप मेरे साथ रहोगे नहीं जब तक आप मेरी इंटरनल स्टडी नहीं करोगे ना साइकोलॉजी चीज़ें मेरी नहीं रीड करोगे तब तक, तक आप बिल्कुल नहीं बता सकते सो व्हेन यू टॉक अबाउट द जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन है ना जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी प्लांट्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो आप उसे जीनो बोलते हो क्लियर हो गया सोफिनो so, टाइप और जीनो टाइप जैसी चीज़ें भी हमने समझी कि जेनेटिक की बात करेंगे कॉन्फिग्रेशन की तो उसे हम जीनोटाइप बोलेंगे किसी ऑर्गेनिज्म की और अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकली या एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे तो उसे हम फिनोटाइप बोलेंगे ठीक है अब देखो इन्हें हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो से रिलेटेड बात कर लेते हैं जैसे आपने किसी दो प्लांट्स को सेलेक्ट किया उनके बीच में क्रॉस कराया है ना और देन आप उसके फिजिकल अपीयरेंस जैसे आपने चार प्लांट लगाए और चार प्लांट के फिजिकल अपेरेंस के बेस पे आपने बोला कि भाई ये जो चार प्लांट हैं उनमें दो प्लांट्स लंबे हैं और दो प्लांट लंबे नहीं हैं डॉर्फ है है ना तो आपने यहाँ पे जो प्रपोर्शन बताया आपने कहा सर टू रेशियो टू का प्रपोर्शन क्या आप नहीं दे सकते टू प्लांट्स हमारे टॉल हैं मैंने कहा बिल्कुल और टू प्लांट्स हमारे डॉर्फ हैं मैंने कहा यस बिल्कुल तो ये क्या हो गया फ़िजिकल अपेयरेंस के बेस पर आपने बताया कि सर ये दो टॉल हैं तो और इसका मतलब ये इनका फिनोटिपिक रेशियो हो गया क्योंकि आप टू इस टू टू रेशियो बता रहे हो क्लियर है टू रेशो टू देन जिनो टाइप रेशियो अब मैंने कहा नहीं आप इनकी जेंटिकल स्टडी करो तो आपने देखा आपने कहा सर जब हमने देखा यहाँ पर तो आ, जैसे मैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल ले लूँ या टू रेशो टू में ही कुछ बताता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपने जब उनका जेंटिकली कॉन्फ़िगरेशन आपने किया तो आपने कहा सर कुछ तो लंबे हमको दिखे प्योर लंबे दिखे तो उन्हें कैपिटल टी बोला कितने दिखे हमको वन दिखे सर हमको जानते हैं और एक हमको हाइब्रिड दिखा तो आपने कहा मैंने कहा ठीक है हाइब्रिड मतलब एक में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया होगा और सर हमें दो दो टोटली totally डॉर्फ दिखे तो मैंने कहा अच्छा स्मॉल टी स्मॉल टी तो जो रेशियो अभी तक मुझे टू रेशियो टू का दिख रहा था मॉर्फोलॉजिकल व्यू के बेस पे वही अब मुझे वन रेशियो वन रेशियो टू का दिखने लगा और ये क्यों जेनेटिकली मैंने स्टडी कर ली है ना डीपली स्टडी कर ली तो ये इनका फिनोटाइप या जीनोटाइप रेशियो होता है अभी इस इन चीजों को मोनो हैबिट क्रॉस वन जीन इनहेरिटेंस या टू जीन इनहेरिटेंस जैसे टॉपिक में भी समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं होमोजाइगस एंड हैट्रोजाइगस इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है तो जब आप फोकस करते हो बच्चा होमोजाइगस पे तो आप कहते हो सर होमो का मतलब तो सिमिलर होता है और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है मतलब जब हम किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जीन की बात करते हैं या एलिलिक पेयर की बात करते हैं और वो दोनों सेम हैं जैसे अभी मैंने एलिल बताया आपको कि अगर कैपिटल टी कैपिटल टी ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये कैसा है होमोजाइगस है ठीक है देन इस्मॉल टी स्मॉल टी है तो क्या ये दोनों से नहीं है बिल्कुल से मिला है तो इसे भी आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या है होम हो जाएगा सर लेकिन अब यहाँ अगर हाइब्रिड कंडीशन आ गई हाइब्रिड कंडीशन में आपने कहा सर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या ये होम हो जाएगा सर बिल्कुल नहीं इट इज़ अ अट्रोजाइगर्स तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगर्स समझ लेते हैं समझ तो गए ही यहाँ और चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन ऐसा इंडिविजुअल जो आइडेंटिकल जीन्स रखता है आइडिक पेयर रखता है किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कैरेक्टर से रिलेटेड जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी तो उसे हम क्या बोलेंगे होमोजाइगस बोलेंगे और अगर उसी जगह कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अन आइडेंटिकल जीन्स अपने पास रखता है या अन एलिक पेयर रखता है कैरेक्टर से रिलेटेड तो उसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस तो ये तो टर्म्स थे अनदर कुछ और टर्म्स हैं भाई टर्म्स ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आपके लिए नेक्स्ट है डोमिनेंट जीन अब डोमिनेंट जीन को समझ लेते हैं तो डोमिनेंट जीन का मतलब क्या होता है देखिए मैंने बोला कि मेरे पास हेयर के हेयर के जो आई कैरेक्टर मेरे पेरेंट्स हैं एक पेरेंट से मुझे ब्लैक जीन वाला कैरेक्टर मिला और दूसरे पेरेंट से मुझे ब्राउन जीन वाला कैरेक्टर मिला ठीक है क्योंकि भाई एक स्पम और हुआ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम लाते हैं ना ये चीज़ें तो क्लियर है ना आप लोगों को कि पता चला मैं इतनी कहानी बता रहा हूँ यही चीज़ नहीं क्लियर है ठीक है तो ये चीज़ें क्लियर जरूर रखिएगा तो डोमिनेंट जीन का मतलब कि ऐसा जीन अब देखिए दो आए जीन एक माँ से आया एक फादर से आ, एक आया एक ब्लैक जीन आया ब्लैक जीन ब्लैक कलर हेयर के लिए जीन आया और दूसरा ब्राउन हेयर कलर के लिए जीन आया लेकिन जो एक्सप्रेस हुआ मुझ में वो ब्राउन कलर हुआ ठीक है तो यहाँ पे एक्सप्रेस कौन हुआ ब्राउन कलर तो ब्राउन कलर मतलब क्या था डोमिनेंट था तो ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले ऐसा जीन जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर ले उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन और ये कब होगा ये हाइट्रोजाइगस कंडीशन में होगा हाइट्रोजाइगस इसलिए क्योंकि दो अलग अलग भाई अब कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो या तो कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा तो या स्मॉल तो टी एक्सप्रेस होगा ठीक है दोनों तो एक्सप्रेस हो नहीं रहे हैं कोई तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अब ऐसा प्लांट अगर आप ग्रो कराओगे हाइब्रिड तो आपके प्लांट्स कैसे हुए टॉल हुए तो इसका मतलब टी अपने आप को अपीयर कर पा रहा है तो इसका मतलब ये डोमिनेंट जीन है और स्मॉल टी नहीं कर पा रहा इसका मतलब स्मॉल टी क्या है रेसेसिव जीन है तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डोमिनेट जीन का मतलब द जीन दैट एक्सप्रेस इट कैरेक्टर इन हेट्रोजैगस कंडीशन इज डोमिनेंट जीन एंड रेसेसिव द जीन दैट फील्स एक्सप्रेस इट कैरेक्टर इन हेट्रोजैगस कंडीशन उसे हम रेसेसिव बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर दो चीज़ें और होती है कि जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो पहले हम किसी को डोमिनेंट और किसी को रेसेसिव मानते हैं जैसे ये कैपिटल टी कैपिटल टी ये टॉल प्लांट है तो ये क्या है ये डोमिनेंट है ठीक है और ये डॉर्फ है और इसमें स्मॉल टी है तो इसे आपने कहा सर ये रिसेसिव है ये किसके बेस पे आपने बोला डोमिनेंट और रिसेसिव इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पे अब आप सोचो कि मैं हूँ स्टैंड हूँ आपके सामने और आ, आ, कौन होगा मेरे साथ में ना? है ना कटरीना कैफ जी हैं तो आप किसे देखोगे ऑब्वियसली बात है मैं खुद उनको देखूँगा आप भी कटरीना कैफ को देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई आप डोमिनेंट कैरेक्टर्स को देखोगे ठीक है तो जो डोमिनेंट है जो एक्सप्रेस करेगा खुद को है ना वो होगा डोमिनेंट और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है हिडन है है ना मैं दबाऊंगा हूँ बीच में दिख ही नहीं रहा हूँ तो क्या होगा फिर उसे आप क्या बोलोगे आप उसे बोलोगे रिसेसिव तो ये भी दो चीज़ें होती हैं आई थिंक क्लियर हुई होंगी आप लोगों को देन उसके बाद है बैक क्रॉस बैक का मतलब ये होता है पीछे है ना तो जब आप क्रॉस कराओगे एफ वन हाइब्रिड की पेरेंट्स से मतलब आप पूरा क्रॉस कराएं अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में इस टॉपिक पे फॉर्म कर दूंगा बैक क्रॉस पे और उसके साथ में टेस्ट क्रॉस पे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो जब आप एक क्रॉस कराते हैं ठीक है किससे कराते हैं पेरेंट्स का पेरेंट्स का एफन से मतलब जो बेबी है बच्चे हैं है ना उनका क्रॉस आप फादर से करा रहे हो तो उसे आप बोलते हो क्या बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस किसे बोलते हो आप जानते हैं जब आप इसी एफन हाइब्रिड का क्रॉस यहाँ पर देख लेगा वन ऑफ इट्स पेरेंट्स मतलब किसी भी पेरेंट से आप करा दो तो आप उसे बोलोगे बैक क्रॉस लेकिन इस क्रॉस में ऐसा नहीं है टेस्ट क्रॉस में ऐसा नहीं है यहाँ पर आप जो पेरेंट्स का क्रॉस कराते हो वो रिसेसिव पेरेंट से कराओगे ठीक है एफोन जो हाइब्रिड प्रोजेनी मिली है आपको आप उसका क्रॉस किसे कराओगे रिसेसिव पेरेंट्स से तो उसे हम क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस बोलते हैं देख लेते हैं डेफिनेशन को बैक क्रॉस तो आप समझी गए हैं द क्रॉस बिटवीन एफ ओन हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट किसी भी पेरेंट से करा दो एफ एन प्रोजेनि की टेस्ट क्रॉस हम किसे बोलते हैं द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमू जाइर रिसेसिव पेरेंट्स इट इज यूज टू आइडेंटिटी टू जीनो टाइप ऑफ द हाइब्रिड तो जीनो टाइप जानने के लिए वैसे तो हम ये क्रॉस करते हैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे होपफुली इतना क्लियर हुआ होगा आपको अब यहाँ पे दूसरी चीज है वीडियो अब आई नो लेंदी हो रहा है बट यू नो आपको सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे इंट्रोडक्शन में ही तो इसलिए ठीक है वॉच करिए मेंडल ने क्यों पी प्लांट्स को ही सेलेक्ट किया तो पी प्लांट्स का बोटेनिकल नेम तो क्लियर ही हो गया होगा पाइजन सेटाइव हो। कैसी पी थी वो गार्डन पी थी स्वीट पी थी देन उसके बाद क्यों किया रीजन समझते पहला रीज़न प्योर वरायटी आर अवेलेबल देखिए तो पी प्लांट्स थी उसकी प्योर वरायटी अवेलेबल थी प्योर का मतलब क्या होता है जैसे आप जो हमारा पी प्लांट्स है वो यू नो सेक्शल रिप्रोडक्शन कह लीजिए या जो भी उनमें ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो प्योर होता है मतलब ये नहीं कि कोई आपको बीच में ही सडन वेरिएशन दिख जाएगा ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे प्योर लाइन था मतलब हर बार एक ही जैसे प्लांट जो है फॉर्म होते हैं तो इन्हें हम प्योर वैराइटी बोलते हैं मतलब हाइब्रिड वैराइटी नहीं है कुछ मिक्सिंग नहीं है वहाँ पर तो प्योर वेरायटी अवेलेबल थी उसके बाद नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे पी प्लांट्स आर ईजी टू कल्टिवेट पी प्लांट्स को हम ईजिली कहीं भी ग्रो कर सकते हैं आप कैरी में लगा सकते हो आप फील्ड्स में लगा सकते हो आप वेसल्स में लगा सकते हो पॉट में लगा सकते हो कहीं भी लगा सकते हो है ना तो ईजिली ग्रो कर सकते हो आप नेक्स्ट उसके बाद थर्ड पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट आर ओनली फ्यू मंथ्स शो दैट रिजल्ट कैन बी गॉट अर्ली देखिए अब यहाँ पे जो पी प्लांट्स होता है वो फोर टू फाइव मंथ्स में अपनी पूरी यू नो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता बोलता है एनुअल प्लांट बोलते हैं उन्हीं फोर टू फाइव मंथ्स में ये ग्रो भी होंगे है ना देन उसके बाद ये डेवलप भी होंगे मेच्योर भी होंगे फर्टिलाइजेशन भी करेंगे सीड भी बनाएंगे और यू you नो know, डाई भी हो जाएंगे तो शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो आप यू नो ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो फीचर्स को अब मान लो अगर इन्होंने ह्यूमन बींग पे किया होता तो एक ह्यूमन बींग की एज सिक्सटी टू सेवेंटी ईयर्स होती है एवरेज है ना अब ये अगर कर रहे होते तो उस आदमी के मरने से पहले ये खुद ही यू you नो know, ऊपर चले गए तो क्या ये कर पाते हैं एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल नहीं तो इसी वजह से इन्होंने पी प्लांट को साइड किया कि पी प्लांट फ्यू मंथ्स में ही अपने यू नो प्रोजेनी को शो कर देता है अपनी लाइफ साइकिल कम्प्लीट कर लेता है देन उसके बाद कंट्रास्टिंग ट्रेट आर ऑब्जर्व इन्होंने कैसे ट्रेड्स ऑब्जर्व किए कंट्रास्टिंग जैसे अगर एक टॉल प्लांट था तो उसके अपोजिट इनको डॉफ प्लांट मिल रहा था अगर ये पी प्लांट को सेलेक्ट कर रहे थे पी प्लांट्स में उसके कलर को इवेंट सेलेक्ट कर रहे थे तो इन्हें वॉलेट कलर भी मिल रहा था व्हाइट भी मिल रहा था मतलब एक ही चीज के एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट दिख रहे थे इनको सीड अगर ये देख रहे थे तो इनको सीड का शेप राउंड भी दिख रहा था और रिंकल्ड भी दिख रहा था तो ऐसे चीजें प्रेजेंट थी इस वजह से के बाद फ्लावर बाइसेक्शुअल होता है आप जानते भी होंगे जो पी प्लांट्स है उसका फ्लावर बाइसेक्शुअल दो सेक्स उसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होता है और वो दोनों सेक्स आपके मेल और फीमेल होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है मतलब किसी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पर ये खुद ही क्रॉस कर लेते हैं ना सेल्फ पॉलीनेशन की प्रोसेस होती है पी प्लांट्स में देन फ्लावर कैन बी क्रॉस पॉलीनेटेड ओनली मैनुअली मैनुअली ये जो प्लांट्स हैं ये खुद ही क्रॉस कर लेते हैं uh, मतलब क्रॉस पॉलीनेशन नहीं होता इनमें सेल्फ पॉलीनेशन होता है अगर आपको इनमें क्रॉस पॉलीनेशन कराना है तो यू नो ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट होगा आर्टिफिशियली हो पाएगा ये ऐसा नहीं होगा कि यू you नो know, अपने आप से नहीं करेंगे क्रॉस पॉलीनेशन कोई पॉलीनेटर यहाँ नहीं करा सकता देन इनके जो हाइब्रिड फॉर्म होते हैं ये फर्टाइल होता है देखिए ये अगर आपको यहाँ पर क्रॉस पॉलीनेशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो क्योंकि इमेस्कुलेशन uh, जैसी चीज़ें मैंने बताई हैं तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा और आप लोग उसे ऑब्जर्व कर लेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने ये कॉन्सेप्ट किया था इवन ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने आई थिंक कहीं ना कहीं बताया ही होगा नेक्स्ट उसके बाद वो आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा देन उसके बाद है हाइब्रिड्स आर फर्टाइल इनके जो हाइब्रिड्स है होते हैं वो कैसे होते, है? होते है। मतलब, mostly, है हैं फर्टाइल होते हैं मतलब मोस्टली जो हाइब्रिड वैराइटीज़ बनती हैं उनमें न्यू सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता मतलब आगे जा करके वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते बट ऐसा नहीं था पी प्लांट्स के जो हाइब्रिड फॉर्म हो रहे थे वो फर्टाइल थे तो ये भी चीज़ हमने समझ ली नेक्स्ट थिंग अंडरस्टैंड करते हैं और ये जो सेवन कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे है ना और उनके यू नो अपोजिट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी हैं उनके बारे में कर लेते हैं आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है बट ठीक uh, है ये लास्ट टॉपिक है समझ लीजिए पहला यहाँ पर जो कैरेक्टर हम लोग फोकस करने वाले हैं वो है शीट के सेप पर ये एक कैरेक्टर है शेप ठीक है और इसके दो ट्रेट होंगे पहला होगा राउंड और दूसरा क्या होगा रिंकल ठीक है राउंड का मतलब जानते हैं ना गोल रिंकर्ड का मतलब थोड़ी सी एक आती है ना सीजन के बाद जो हमारे यहाँ पी आती है उसका देखा होगा ऐसा ही रिंकर्ड शेप की होती है झुर्रीदार आई थिंक उसे हिंदी में बोलते हैं बट ऐसे आप समझ सकते हैं तो ये हो गया पहला कैरेक्टर सेवन कैरेक्टर्स लिए थे आप जब भी कोई क्रॉस कराएंगे तो यही कैरेक्टर्स लेंगे अपने मन से कुछ भी नहीं ले लेंगे आप जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लिए थे ना वही आप ग्रेगर जॉन मेंडल की चीज़ें कर रहे हो खुद के एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं कर रहे हो आप पढ़ी आज से सौ साल पहले लिखी हुई चीज़ ही को पढ़ रहे हैं आपने कुछ नया नया इन्वेंशन भी होता रहता है कोई नई बात नहीं है चलिए सीड कलर जैसे आज ही आज ही आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आ, कितने पता नहीं सोलह सोलह सो करोड़ पता नहीं कितने साल पुराना वॉटर मिला है है ना आ, बार नाम है शायद उनका जियोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोजा है और कनाडा में आई थिंक कोई शुरंग थी तो उसमें खोजा है एक सौ साठ करोड़ साल पुराना है ना तो इतना पुराना पानी तो होते रहते हैं इन्वेंशन आप भी एक दिन बनोगे साइंटिस्ट है ना आप भी खोजेंगे कुछ चलिए सीट कलर है यहाँ पर येलो कलर एक कलर होता है डोमिनेंट रेड कह सकते हैं और दूसरा ग्रीन कलर का होता है दूसरा पॉड का शेप उन्होंने लिया थर्ड वन पॉड का शेप जानते हैं ना फली दिख रहा है डायग्राम में तो ये एक का होता है इनफ्लैटेड और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टेड ठीक है एक देख पा रहे हैं इसे इनफ्लैटेड बोलते हैं मतलब पूरी तरीके से इनफ्लैटेड है और यहाँ पर ये कैसे है कंस्ट्रिक्टेड है ठीक है नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर पॉड का रंग कैसा होगा कलर कैसा होगा तो ग्रीन कलर की होती है और येलो कलर की होती है देखिए कंफ्यूज मत होइएगा सीड कलर अलग चीज़ है पॉड का कलर अलग चीज़ है सीड का शेप अलग चीज़ है पॉड का शेप अलग चीज़ है है ना तो इन चीज़ों को मिक्सअप ना कर दीजिएगा नेक्स्ट उसके बाद है फ्लावर का कलर तो इनके फ्लावर का कलर कैसा होता है पर्पल होता है डोमिनेंट ट्रेट होगा और व्हाइट कलर होता है दूसरा अपोजिट में और ये इनका रिसेसिव ट्रेट होता है देन फ्लावर की लोकेशन इनके फ्लावर की लोकेशन एक्जियल होती है और इनकी टर्मिनल होती है है ना रिसेसिव ट्रेट में क्या मतलब होता है समझ लीजिए एक्जियल का मतलब होता है जैसे कि ये एक प्लांट है दिखा देता हूँ और ये एक प्लांट है और इस प्लांट्स के अगर ये ऐसे लेटरल जो ब्रांचेस निकल रहे हैं यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो तो ऐसे ही फ्लावर की पोजीशन को हम एक्जियल बोलते हैं और अगर यहीं पे एक ही स्टेम लगाया मैंने और यहाँ पे सबसे अपेक्स पे निकाला है फ्लावर है ना लिमिटेड ग्रोथ एक तरीके से शो करता है शायद पढ़ाया है मैंने आप लोगों को एलेवेंथ में ठीक है तो इसे हम क्या बोलते हैं टर्मिनल बोलते हैं आप इन डायग्राम्स में भी देख पा रहे होंगे देन उसके बाद प्लांट का साइज तो प्लांट का साइज या स्टेम की साइज तो अगर टॉल है लंबा है तो टॉल और दूसरा जो रिसेसिव ट्रेट है वो डॉर्फ है शॉर्ट सो स्टूडेंट इतनी चीज़ें हम लोगों ने की हैं ये इंट्रोडक्शन ही था मैंने बोला था वन शॉट में हम क्लियर करेंगे और कोशिश भी कंप्लीट हुई है होपफुली ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको और अगर ना समझ में आई होंगी तो वीडियो को दोबारा वॉच करें या जो भी डाउट्स हो आप उनसे मुझसे पूछें एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वन जीन इनहेरिटेंस करेंगे क्योंकि चैप्टर लेंदी है तो टाइम भी लगेगा और वीडियोज़ भी लेंदी होंगे थैंक यू